सिवान के सरयू नदी पर पीपा पुल बनाया गया है ताकि लोग बिहार से यूपी जा सके। हालांकि पुलिया की उपेक्षा की वजह से लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हम इस वक्त उसी पुलिया पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति आज ये पुलिया की है। पुलिया को तो बनाया गया है, पीपे भी लगे हुए हैं, स्लीपर भी लगे हुए हैं, हालांकि लकड़ी नहीं लगने की वजह से और प्लेटें नहीं चढ़ने की वजह से है जो परिचालन बंद है। बताया जाता है कि हर साल बरसात के मौसम में ये जो है पुल उखड़ जाता है और फिर पानी नदी का कम होने के बाद इस पर पीपे लगते हैं और पुनः पुलिया का निर्माण कराया जाता है, जिससे लोग बिहार के अंदरौली से फिर फरीद घाट जाते हैं जो यूपी में पड़ता है और बलिया जिला में पड़ता है। बताया भी जाता है कि लगभग 30-40 वर्षों से यहाँ से लोग इस रूट से लोग आवागमन करते हैं। इस पुलिया के कारगर नहीं होने से और इस समय बढ़िया हालत नहीं होने की वजह से लोग आप देख सकते हैं कि नाव का सहारा लोग ले रहे हैं और नाव से ही लोग जाते हैं। डर इस बात की भी बनी रहती है कि कहीं नाव पलट ना जाए और पलटने के बाद दुर्घटनाएं भी हो सकती है, बावजूद इसके लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस रूट से पूर्ण रूप से चारपहिया वाहन का परिचालन ठप है, सिर्फ बाइक वाले और साइकिल तथा सिंगल सवारी वाले लोग ही नाव के माध्यम से जा पा रहे हैं। कारण बताया जाता है इस पुलिया का निर्माण नहीं होने की वजह से कि यहाँ पे लकड़ी नहीं आ पाई है, प्लेटें नहीं आ पाई है, इस वजह से इसका निर्माण नहीं हो पाया है। इस पुलिया में टोटल 100 पीपे लगे हुए हैं, लगभग 400 जो है इस पर स्लीपर लगे हुए हैं और इसमें प्लेटें और लकड़ी के जो यहाँ पे गांठ डाले गए हैं वो नहीं होने की वजह से यहाँ पर निर्माण कार्य रुका हुआ है और नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से लोगों को बाय रोड जाना पड़ता है। अगर ये बन जाता तो लोगों को यूपी के बलिया जाने में लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती। यहाँ पे कुछ स्थानीय भी खड़े हैं, लकड़ी भी गिर रहा है, गिर भी गया है अभी दो, अभी कम से कम एक हफ्ता लगेगा तैयार होने से। पुलिया नहीं होने से दिक्कत होता ही है, नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव का एकदम सहारा लेना जरूरी होता है क्योंकि उधर जाने में काम है, खेत वगैरह आप लोगों के पड़ता है उधर। और यहाँ पे है, क्या लगता है कि अगर बन जाता तो सहूलियत होती ना जाने में? हाँ, अच्छा होता जाने में, ताकि हम जानते हैं कि जैसे मौसम की तरह बाढ़ बढ़ता है तो अपने से टूट जाता है। अभी हालांकि एक महीने से अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है तो, और जो है कि यहाँ पे पुल का अभी थप है, नहीं बन रहा है अभी। हालांकि कब से ऐसी कब टूटता है? सिर्फ बाढ़ में टूटता है कि कभी भी? नहीं, सिर्फ बाढ़ आता है तब टूटता है, और बाढ़ जैसे ही खत्म होता है तो फिर बनना स्टार्ट होता है। ये पुलिया किसको जोड़ता है? यूपी और बिहार, बिहार को जोड़ता है। और काफी लोग इससे आवागमन करते हैं, लोग खेती वगैरह करने के लिए जाते हैं। और पुलिया नहीं होने की वजह से अभी कैसे लोग जाते हैं? अभी तो नाव से ही जा रहे हैं, जब पुल बन जाता है तो यहीं से जाना, डर बना रहता है नाव से जाने में कि कहीं पलट उलट जाए तो दुर्घटनाएं हो सकती है। डर तो बना रहता है, मजबूरी में लोग नाव का सहारा लेते हैं। नहीं, अगर ये पुल बन जाता तो सहारा इसका लोग लेते। क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग कि जल्द से बन जाए? नहीं बनने से तो आवागमन एकदम बाधित है, नाव के भरोसे लोग हैं, वासी का मेला लगता है, उसके बाद ये चालू हो जाता था। लेकिन अभी तक इतना दिन हो गया, पीपा चालू, कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? इस साल ज्यादा है, ऐसे हर साल कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, पानी बढ़ता है घटता है तो उसमें डिस्टर्ब होता है। लेकिन इस प्रकार सब सिचुएशन रहते हुए भी समय से चालू नहीं हुआ है। क्या पूरा पीपा बिछ गया, अभी उसमें लकड़ी की कमी है, चादर की कमी है, तमाम प्रकार की परेशानियां है। बताए, उत्तर प्रदेश और बिहार के तो एकदम बॉर्डर है, या यहीं से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला चालू हो जाता है। क्या फायदा होती है चालू हो जाता तो? चालू होता है तो एकदम दिनों रात यहाँ से लोग चरपहिया गाड़ी लेकर के जाते हैं आते हैं, माने दिन रात एकदम, माने जितना लोग यहाँ से पार करते हैं इतना तो भागलपुर पुल से लोग नहीं पार करते होंगे। बताया जाता है कि ये अगर पुल ये बन जाता तो लोगों को बलिया जाने में लगभग 50-60 किलोमीटर बच जाता, नजदीक पड़ता। हाँ, 30-40-50 किलोमीटर तो बच जाता। नहीं बनने से दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है। क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग तो यही कहते हैं कि समय से चालू हो और समय से देख रेख हो। देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों से बात हुआ, उन्होंने बताया कि जो पुलिया है लगभग हर साल बारिश के मौसम में टूटता है और पुनः इसका जो है निर्माण कार्य कराया जाता है, हालांकि अभी तक नहीं हो पाया है और इसका अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए था, हालांकि नहीं हो पाया है। प्रशासन जो है इसको देख रेख करता है वो भी लगा हुआ है कि इसका निर्माण कार्य हो सके, हालांकि कब तक तैयारी हो पाएगी बनकर और कब लोग इस रूट से आवागमन कर पाएंगे अभी कह पाना संभव नहीं है। अंकित कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान।